हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सेसफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बहुत यमी से सैंडविच। इसके लिए मैंने 3 छोटे साइज के आलू को ग्रेट कर लिया है। उसमें थोड़ा सा कटा धनिया है 1 टेबलस्पून के करीब। ये चाट मसाला है 2 पिंच। रेड चिली पाउडर है, आप चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। नमक है स्वाद के अनुसार। तो ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 पनीर के स्लाइस हैं, 1 प्याज को हमने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया है, 1 कैप्सिकम को मोटा चॉप कर लिया है, हरे धनिया की चटनी बना के रखी है, बटर है और हमारे पास आज व्हाइट ब्रेड अवेलेबल हैं तो हम व्हाइट ब्रेड के साथ बना रहे हैं। आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। देखिए, हमने ब्रेड के बैक में ना ये थोड़ा थोड़ा घी लगाया है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और इस साइड हम बटर लगाने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा ही रूम टेम्परेचर पर जो बटर किया हुआ है उसको लेंगे और हल्का से इसको चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। ये देखिए बटर लग गया है। अब हम इस पर एक आलू की लेयर लगाएंगे। देखिए इस टाइप से खूब अच्छे से मैश किया हुआ आलू है, अच्छा चटपटा बन गया है। सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया है। 1 पिंच मैंने अमचूर भी डाला है। आप अपने हिसाब से जैसा आप तीखा खाते हैं वैसा आप इसको बना सकते हैं, चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये सैंडविच बहुत मस्त लगने वाला है। और ये अपना टोस्टर मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। आलू के ऊपर ये पनीर की लेयर रख देंगे हम, दोनों ही आलू के ऊपर, और हल्का सा इसमें चाट मसाला, मिर्च, नमक जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे। हम ये सब्जियां ना आलू पे लगा रहे हैं क्योंकि पनीर पे रुकेगी नहीं। तो हमने पनीर की स्लाइस को एक बार साइड में रख लिया है। अब हम इसके ऊपर पनीर का स्लाइस रख देंगे। इसका क्या मतलब है कि जैसे देखिए ना, पनीर पे स्टिक नहीं हो पाएंगी और आलू पे अगर आप सब्जियां रख के हल्के से रखेंगे ना तो ये प्रेस हो जाएंगी अच्छे से। देखिए बहुत अच्छी ये खुशबू आने वाली है इसकी। बिल्कुल बढ़िया से लगा देंगे और पनीर का स्लाइस ऊपर रख देंगे। ये हम चटनी रख रहे हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, पर मैंने चीज़ इसमें नहीं डाला है क्योंकि हर चीज़ में चीज़ ज़रूरी नहीं है। बट आप, बहुत लोग लिखते हैं बाद में कि मैम हम चीज़ डाल सकते हैं क्या। यस यू कैन। ये देखिए हमने दोनों ब्रेड स्लाइस को, दोनों सैंडविच को इस तरह से रख दिया है। घी अच्छे से लगा दिया है ऊपर। आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं बाहर भी। और इसको ऐसे बंद कर देंगे तो चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए कितने बढ़िया से ये सैंडविच सिक गए हैं। ये देखिए हमारे ये पनीर वाले यमी से सैंडविच बनकर तैयार हैं। हमने इनको ट्रायंगल कट किया है, आप इनको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही यम। तो आप ऐसे टोमेटो केचप से इनको सजा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।